हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आपको मैं दिखाई दे रही होंगी ना। हेलो सुजल, हियर वी आर बी मीटिंग वेरी फर्स्ट टाइम। हेलो अंकित, रीजन ये है व्हाई वी आर मीटिंग हियर बिकॉज मेनी ऑफ यू वर बिजी अर्लियर इन योर ट्यूशंस, इन योर क्लासेस एंड सम अदर प्लेसेस एज वेल। सो देर वॉज वन आइडिया इन माई माइंड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई वॉज थिंकिंग दैट इज इट पॉसिबल व्हेन आई एम हैविंग अ चैनल इट्स बेटर टू हेल्प अदर्स ऑल्सो, लेट अदर्स ऑल्सो कम। आई एम वेटिंग for my rest of the students from both the sections B and D. I guess I'm early, 2 or 3 minutes. Hello Manas. So on your screen you can also see me as well as your text, like a DOE class, right? So this was the point on January 4 where we are supposed to begin, and the main point is from till this point, engine out of action we had completed in our past class. Where are others and when will they join? It's 12:30. Do tell me voice is clear so that I can begin the class. Voice is clear. Ankit, Sujal, let me know. Am I audible to my class students or not? Voice is clear or not? Because for you people, this is going to be the first experience. Okay, Sujal, thank you. Sujal, just drop a message on both the sections, on your section itself. The class is live. I don't know where are they. Let others also come. We will wait for 2 or 3 minutes, then we will begin the class. Your attendance will be marked already because the software is very advanced. Where are they? Again, just give them a reminder. I have already given them a reminder. Whosoever is watching from class B or class D, kindly comment your attendance. Otherwise, live chat comments will not be seen later on. So, from this paragraph, we have to begin. The first line is on January 4, after 36 hours of continuous pumping, as we already know what these four students or what these all who were traveling on the ship. Yes, Sujal, I got your attendance. Kya kar rahe the ye? They were continuously pumping. What they were pumping? They were trying to throw the water from inside to outside. So here the line and the process is repetitive. We reached the last few centimeters of water. Now they are not drowning at all. Okay, they are not drowning. They are trying to escape from the situation. And here we get a small hint that they reached the last few centimeters of water.
हेलो मोहिनी, हेलो मुरारी, बेटा प्लीज डू गिव मी योर अटेंडेंस बिकॉज लेटर ऑन यू विल बी एबल टू सी द वीडियो बट यू वोंट बी एबल टू सी द कॉमेंट्स. ठीक है, तो अभी जो कॉमेंट कर देगा उसकी अटेंडेंस हो जाएगी मार्क. ठीक है, वीडियो यू कैन सी ट्वाइस थ्राइस एज मेनी टाइम्स एज यू कैन. नाउ वी हैड ओनली कीप पेस. पेस मीन्स आर दे रनिंग, कमेंट करके बताओ. पेस मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस, स्पीड और रनिंग, डू लेट मी नो. पेस मीन्स रनिंग, पेस मीन्स रनिंग. गुड सुजर, वेरी गुड मानस. सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज दे हैड ओनली टू कीप स्पीड विद द वॉटर स्टिल कमिंग इन. तो आपको पता है कि वो अगर पानी निकालना बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर वॉटर जो है, जो लेवल है, दैट इज गोइंग टू राइज अगेन, वो फिर से बढ़ जाएगा. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. मास्ट मीन्स आपने अक्सर देखा होगा शिप पर एक बहुत बड़ा सा पोल होता है, ठीक है, और उसके साथ कोई कपड़ा बांध दिया जाता है. तो मास्ट स्टैंड्स फॉर द पोल ऑन विच यूजुअली अ फ्लैग इज गोइंग टू बी हैंग्ड. तो उससे क्या होता है कि वो जो कपड़ा बांध दिया जाता है वो एक सिग्नल का भी काम करता है, और जब इंजन काम नहीं करते, सी द लास्ट लाइन, इंजन आउट ऑफ एक्शन. तो अर्लियर वी रियलाइज दैट द इंजन वर फेल्ड. जब इंजन फेल हो गए थे तो उन्होंने ये सोचा था कि जब डायरेक्शन जहां जाएगी हम विंड के साथ उसी डायरेक्शन में जाएंगे. तो मेन मास्ट का दे आर नॉट गोइंग टू यूज बिकॉज दे कांट यूज. प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग मीन्स द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. अगर जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही हैं, अगर वो उसके ऑपोजिट जाने की ट्राई करेंगे तो वट विल हैपन, द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी ड्रेस्टिक, डैमेज हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज जो शिप था वो क्या हो गया था, अर्लियर वी हैव नोटिस दैट द शिप वॉज नॉट इन द गुड कंडीशन. ठीक है, तो हल अपार्ट हो जाएगा. अपार्ट मीन्स लाइक दिस. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the two islands were. कहाँ जाना है उनको, कहाँ जाना था उनको, where they were planning to go. Amsterdam, Amsterdam, yes or not, yes or no. Okay Prabhas, got your attendance. सबकी attendance मिल रही है. But the point is you have to send continuously whatever I am going to ask. बताओ 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 कहां जा रहे थे, what was their plan. They can't move forward for long, है ना, ज्यादा दूर तो वो जा नहीं सकते. So what was the thought that was inside their mind, क्या thought था उनके दिमाग में. दो आइलैंड है नियर बाय, उन पे पहुंचना है. ठीक है, तो टू आइलैंड वही है जिनके बारे में उसने बात की थी. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट. तो दिस इज द फूड दैट दे आर गोइंग टू हैव आफ्टर टू डेज. ठीक है, सो हियर यू कैन सी एरो ऑन योर स्क्रीन दैट मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ, अगेन अ रेफरेंस ऑफ अ मीट, एंड क्रैकर बिस्किट. And we ate our first meal in almost 2 days. So here the writer has given you a hint that from the last 2 days they have not eaten anything. कि दो दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया है. But our respite was short-lived. Whatever thoughts were there inside their mind, वो बहुत ही कम time के लिए थे. They were all short-lived. यहाँ तक clear है? सारे time. Okay, Aisha. Next paragraph. That you are going to see on your screen. Our respite was short-lived. At 4 p.m., black clouds begin building up behind us. So here he is giving us hint that situation is going to be bad again. Okay. So what we will see again the situation. This situation will be very similar like the previous situation. Within the hour, the wind was black back to 40 knots and the sea were getting higher. Seas stands for waves. Seas stands for what?
waves? Answer, yes or no. C stands for higher waves. ठीक है, जो ये कह रहे हैं ना, the seas were getting higher. Sea कहीं नहीं जा रहा, the waves जो पहले थी ना, the waves were very high. Similarly, this is going to happen again and this will happen. By dawn, dawn means early morning, before sunrise. तो 4 तारीख की बात हो रही है. We begin this paragraph from January 4. आपको याद होगा. And here we will see the situation of January 5. Our situation was again desperate. Desperate means, meaning of desperate. Desperate means terrible, frightening. Legend killer, kindly brief about your attendance. ठीक है, because मैं legend killer तो लिखूंगी नहीं ना attendance में, तो do give me. Desperate means frightening, fearful, terrific and problematic. When I went in to comfort the children, यहाँ पे writer खुद के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, the person who was expressing himself as a businessman, जो कि tour पे निकले थे, तो I refers to the first person narrative, who is expressing his inner concerns towards us. John asked, John, who is John? The son of this person. Daddy, are we all, yeah, are we going to die? जो छोटा बच्चा होता है वो क्या पूछ लेता है? Yes, Mohini. Desperate means to some extent useless also. Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? Assurity दे रहे हैं that he is going to save everyone. He is going to save everyone, but fear abhi bhi hai. See this line, we are not afraid of dying if we can all be together. You means 37 years old businessman. And mummy stands for Mary. Sue and I. Who is a Sue? Daughter or son? Kindly reply. फिर गूगल फॉर्म में दूंगी, इससे बेटर है जस्ट डू आस्क योर डाउट्स. ठीक है, हु इज अ सीयू, डॉटर और सन? गीता इज रिप्लाइंग डॉटर. सुजल, रिंकू इज ऑल्सो रिप्लाइंग. ओके, डॉटर. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड बिकॉज ही वॉज हेल्पलेस एज अ फादर. ही वॉज कंसर्न अबाउट हिज लाइफ एंड मोर देन हिज लाइफ ही वॉज वेरी मच कंसर्न अबाउट हिज फैमिली मेंबर्स. स्पेशली He is feeling now very responsible towards his son and daughter. तो किसके लिए बहुत ज्यादा concern feel कर रहे हैं? अपने daughter और अपने बेटे के लिए. और side by side ये fear भी चल रहा है कि पता नहीं उनको बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे. ठीक है, तो ये देखो आपकी स्क्रीन पे, अब आपको दिख रहा है कि I could find no words with which to respond. कि मुझे समझ नहीं आया कि how to react. कैसे उसको यकीन दिलाएं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, वी विल ऑल कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, कि हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे. बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिंड टू फाइट द सी. व्हाट वाज हिज ड्यूटी एट दैट टाइम? टू थ्रो द वॉटर फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. जो बोट में पानी आ रहा है उसको बाहर निकालने का उसका पर्पज था, राइट? So I decided to heave too. और उसने वही प्रोसेस किया. Heave means he is continuing making that procedure again and again. किस तरीके का प्रोसीजर दोबारा और दोबारा कर रहे हैं पानी अंदर से बाहर निकालने का. With the undamaged port hull facing the oncoming waves. कि कुछ हिस्सा बोट का अभी भी ऐसा था जहां पे वेव्स ने अफेक्ट नहीं किया था. Using an impoverished sea anchor. Sea anchor मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि एक कुछ इस तरीके का पोल होता है जिससे जब आप आइलैंड के पास या लैंड के पास पहुंचने वाले होते हैं तो आप उससे अपने शिप का जो पोल है यानी कि जो कॉर्नर है उसको टाई कर देते हैं सो दैट द शिप विल नॉट मूव फॉरवर्ड. ठीक है, और आप किनारे से उतर पाए. एक उसके साथ क्या है? सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप. रोप मींस रस्सी को बोलते हैं ना.
and 22 plastic barrels. Barrels stands for? Okay, Gaurav. Barrel stands for, बताओ मुझे, बॉटल के लिए रेफर होता है या टैंक के लिए? बॉटल्स छोटी होती है ना, टैंक बहुत बड़े होते हैं. बैरल स्टैंड्स फॉर टैंक्स और बॉटल्स. रिप्लाई, किसके लिए रेफर होते हैं बैरल्स? टैंक्स. यस मोहिनी एंड सुधा, तो कह रहे हैं कि 22 लीटर्स के दो प्लास्टिक बैरल्स हैं ऑफ पैराफिन. पैराफिन इज अ फ्लेमेबल मटेरियल, जिससे कि होता है ना, जैसे ऑयल होता है, ठीक है, तो काफी टाइम उसको रखा जाता है. पैराफिन एक फ्लेमेबल मटेरियल है. हो सकता है कि जो इंजन है उसकी ऑयलिंग के लिए इन्होंने ये बैरल्स रखे हों. तो बहुत बड़े बड़े 22 लीटर के ही कह रहे हैं, ऑलमोस्ट 22 लीटर्स के बैरल्स थे. तो उसको क्या यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? जो शिप टूट चुका है ना, अब उसका कुछ हिस्सा नायलॉन रोप की हेल्प से उन बैरल्स पे बांध दिया, ताकि जो भी कॉन्टिन्यूटी है वो बनी रहे, ठीक है, कहीं टूटे नहीं, कोई चीज भागे नहीं इधर से उधर. क्योंकि अभी क्या है, उनका मेन कंसर्न क्या है, लाइफ को सेव करना. दैट इवनिंग मैरी एंड आई, हु इज मैरी? वाइफ, वाइफ ऑफ द पर्सन हु इज 37 ईयर्स ओल्ड, हु इज अनोनिमस राइटर, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन नैरेटर, हु इज डिस्क्राइबिंग द होल सिचुएशन एंड वी आर रीडिंग थ्रू हिज आईज. तो कह रहे, एक इवनिंग को मैरी एंड आई दोनों के दोनों बैठे हैं, सैट टूगेदर होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वॉटर इन. The water is coming inside, but they are helpless. They both are, I mean, the husband and the wife, they both are sitting together. Very good. Very good, Aditya. तो wife है Mary और ये दोनों बैठे हुए हैं और पानी भी आ रहा है. Continuously the water is coming inside. Through the broken planks. Planks means area. Okay? We both felt the end was near. Now they are getting hint that they are... Death is near. Their death is very much near and they cannot survive for a long period of time. Let's see what else we can see. But wave walker means, is it the name of that ship on which they were traveling? Wave walker. Yes or no? If yes, then send yes. Yes, yes, ship name. Yes. Very good. So, but wave walker road. Road means ride. Okay, form hai ye uski. The wave walker was riding slowly out the storm. So, finally the storm is gone. But the damage had already happened. Storm aaya, waves high hui. Aur phir kya tha? Damage bhi hua. By the morning of January 6th, so 4th of January is gone, 5th of January is also gone. Now here we will see the description about January 6th, what kind of situation they all are going to face. With the wind easing, अभी बहुत ही wind चल रही है, blow हो रही है, लेकिन वो cool है, यानी कि वो calm है. इनको ऐसा लग रहा है, the wind is not going to destroy anymore. I try to get a reading on the sextant. Sextant एक तरीके का जैसे compass होता है ना, आपको डायरेक्शन बताता है. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मोबाइल में देखते हैं, तो मोबाइल में यू विल सी नेविगेशन थ्रू मैप, थ्रू सैटेलाइट, है ना. सेक्सटेंट करके भी एक ऐसा ही होता है, उसमें 60 डिग्री का एंगल बनता है. बैक इन द चार्ट रूम आई वर्कड ऑन द विंड स्पीड. व्हाई ही वॉज वर्किंग ऑन द विंड स्पीड? व्हाई ही वॉज वर्किंग? जस्ट टू लोकेट हिज प्रेजेंट सिचुएशन. Just to locate his present situation. Ki how much time they all are going to take to reach that island on which they can feel safer. Ki bhai kitna time lagega inko us island pe pahunchne mein jahan pe inki life bach jayegi. Jahan pe ye sab kaisa feel karenge? Safe feel karenge. Theek hai? Let's move on to another page. It's on page number 17, as you can see. Changes, of course.
changes in terms of direction. Course means the pattern they are following. Yes, Sudha. Storm ki wajah se hai na. Drift. Again, here they are talking about motion. Drift ka matlab wahi hai. ठीक है, वैसे ड्रिफ्ट के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, बट यहां पे ड्रिफ्ट का मतलब है मोशन. मोशन, ठीक है. एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजिशन. एज आई टोल्ड यू व्हाई दे वर ट्राइंग टू लोकेट देयर सिचुएशन सो दैट कि वो कहां पहुंच पाए, एक आइलैंड पे पहुंच पाए, एंड दे ऑल विल सेव देयर लाइव्स. ठीक है. The best I could determine was that we were somewhere 150,000 kilometer of ocean looking for a 65 kilometer wide island. Ab dekho, here he is briefing about his situation, current situation. Ki 1.5 lakh kilometer ocean ke around ye distance dekh rahe hain. Itne bade ocean mein what they are trying to locate? They are trying to locate a small island. मैंने पहले भी आपको कहा था द पेज दैट वी वर रीडिंग इन द प्रीवियस क्लास, इट्स ऑन पेज नंबर 15 समवेयर, जहां पे वो बताते हैं कि जैसे स्मॉल पॉइंट्स होते हैं ना बहुत बड़े ओशियन में, बिल्कुल टिप, जैसे आपके पेन की बिल्कुल आगे की टिप होती है ना, बहुत ही माइनर, उसके बारे में वो बात कर रहे थे. तो 65 किलोमीटर वाइड ही ये आइलैंड है इतने बड़े ओशियन में. व्हाइल आई वाज थिंकिंग सी यू moving painfully. Why she was in pain? Has she got hurt? Yes or no? चोट लगी थी सीयू को? Where? Why she is in pain? Why she got hurt? Okay, I am getting responses. Many of you are saying yes. Where she got hurt? Hand or head? Hand or head or both? On head, okay. Shubham is saying on head. आपको याद है उसने एक पेज में ये कहा था कि मुझे आर्म पे भी चोट लगी थी, हेड पर भी और हैंड पर भी, both. The correct answer is both. ठीक है, तो हेड पर भी और जो उनको हाथ पे भी लगी थी ना आर्म पे. Yes, Geeta, you are right. Both. So now she is feeling the pain. Her pain is increasing. तो वो आके अपने फादर को कुछ बोल रही है. The left side of her head was now very swollen. Because वो क्या हो गया था, वो वॉल पे जाके एकदम से मैस्ट हुआ था, यानी कि एकदम से हिट हुआ था. Her blackened eye narrows to slits. She gave me a card she had made. So, although she was in pain, but she was writing. She was making something. What she was making? She was making, she was preparing a card for whom? For his family. For her family, sorry. For her family. और क्या कहती है? On the front, she had drawn caricatures. Caricatures stands for pictures. Cartoon pictures, you can say. Or drawings. Of Mary and me. Me stands for her father. Here are some funny people. This is the line. Here are some funny people. Who has written this? See you. उस कार्ड पे इन्होंने ये लिखा है, हेयर आर सम फनी पीपल. डिड दे मेक यू लाफ? क्या आपको देखकर इनको हंसी आती है? बिकॉज शी हैज ड्रॉन समथिंग. शी हैज ड्रॉन टू और थ्री कैरिकेचर्स अपनी फैमिली के, वो बता रही हैं कैरिकेचर्स जो उन्होंने ड्रॉइंग्स बनाई हैं. एंड मे बी शी इज नॉट ए गुड आर्टिस्ट, इसीलिए कह रही हैं. ठीक है, तो आप देख लेते हैं. Inside was a message. So the writer, the businessman, the person, the father has opened that letter. और क्या पढ़ते हैं? Now he is going to read. Oh how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. So here we had to make it means hope for the betterment. Hope for the betterment that we all will be happy. We all will survive. Say yes, no, yes, no. Gaurav is saying she got hurt on head and hand both. Yes, yes, Gaurav, you are right. ठीक है, तो for this man, this card is going to become a motivation.
होप कहते हैं ना, सी दिस वर्ड होप फॉर द बेस्ट. दिस कार्ड विल वर्क लाइक अ सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन कि हम सब बच जाएंगे. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन. हियर द लास्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू रीड अगेन. लेट मी रिपीट, दिस इज पेज नंबर 17, ऑलमोस्ट द लास्ट पॉइंट, द लास्ट पैराग्राफ. I checked and rechecked my calculation. Why he is checking and rechecking his calculation? So that he can move on further. भाई आगे पहुंचना है ना, उसके लिए तो location relocate करनी पड़ेगी, because जहां पर ये है network is not working. Mayday calls भी ये कर रहे थे. Earlier they were trying to contact someone so that they can ask for help, है ना, किसी को help के लिए बुला सकते थे, but network was not there. Calling was not there, connection was not there. That is why he is checking and rechecking his calculation कि हमें जिस direction में जाना है, जिस direction में हमें Amsterdam Island मिलेगा, दोबारा देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि south में जाना हो और किसी और direction में ये move कर जाएं. We had lost our main compass. Again, problematic situation. Compass stands for, it is a scientific instrument. ठीक है, ये आपको पता होगा, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वाले भी हैं, कंपास देखा होगा, नेविगेशन यूज करते हैं आज हम मोबाइल में ना. एक और प्रॉब्लम कि दीज पीपल हैड लॉस्ट देयर मेन कंपास एंड व्हाट दे आर गोइंग टू डू. अब कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ना, सन की डायरेक्शन से करेंगे, नहीं सन दिखेगा बिकॉज द एटमोस्फेयर वॉज फुल ऑफ क्लाउड्स, द स्काई वॉज फुल ऑफ क्लाउड्स. तो क्या करेंगे, आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, स्पेयर मीन्स अनदर वन, मे बी अ डिफरेंट कंपास. वैसे स्पेयर का मतलब क्या होता है, स्पेयर का मतलब अगर लिटरल मीनिंग आप देखें तो स्पेयर मीन्स यूजलेस और लेस फ्रूटफुल. यस और नो, यस और नो, स्पेयर का मतलब क्या होता है, ये स्पेयर पार्ट है, यानी कम यूज होने वाला पार्ट है. ठीक है, तो आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. नाउ हियर You will see a different perspective of the writer. क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं एक different use करूंगा, लेकिन I'm not sure कि वो correct magnetic variation देगा भी या नहीं देगा. मतलब he is not sure whether this compass, the spare part, the spare compass is going to work in the fruitful manner or not. He is not sure. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current. Westerly currents means डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. ठीक है, वेस्टर्ली करंट भी होता है. दोज हु आर रीडिंग ज्योग्राफी उनको ये बात क्लियर हो जाएगी बिकॉज वो डायरेक्शन का पढ़ते हैं. ठीक है, हमारे लिए यही समझना जरूरी है, वेस्टर्ली करंट स्टैंड्स फॉर द डायरेक्शन फ्रॉम द वेस्ट. ठीक है, जहां से ये विंड्स आ रही है. अनुराग कह रहे हैं स्पेयर मीन्स हॉलो, राइट, स्पेयर ऑल्सो मीन्स हॉलो. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. So now he is calculating his all the direction, he is calculating his estimate proportion ki jo help karega inko Indian Ocean ko cross karne mein. दरअसल क्रॉस ही क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि जो इन्होंने एम्स्टरडैम की, जो एम्स्टरडैम आइलैंड की जिसकी ये बात कर रहे हैं, जहां इनको जाना है, उसके लिए बहुत सारे ओशियंस को क्रॉस करना पड़ेगा. ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर का वो लैंड है. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अबाउट 2 PM पैराग्राफ चेंज. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक, आस्क्ड लैरी. हु इज लैरी? फ्रेंड. फ्रेंड Who was Larry? Friend. Is it friend or somebody else? Is he friend or someone else? Friend. Okay. So Larry भी आ गए हैं. What he is doing? He is trying to fix it out. यानी कि अपनी location को trace करने की कोशिश कर रहे हैं. Larry to steer a course of 185 degree. अब 185 degree को compass से तो locate किया जा सकता है, है ना? बट विदाउट कंपस तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट कि भाई मैं कंपस थोड़ी ना देखूंगी. मान लो मैं अगर सी में हूं, द वेव्स आर कमिंग, द हाई टाइड्स आर कमिंग एंड शिप इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, तो 185 डिग्रीज मतलब उसने एक रैंडम आइडिया दिया है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है. इफ वी वर लकी आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील.
He could not expect to see the island at about 5 p.m. So, here, this is the hint that before 5 p.m. they are not going to reach. 5 baje se pehle wo aaj nahi pahunchenge. Ye 2 baje ki baat hai. See the timing. Still, they have to make the changes in their plan. Tabhi wo aage move on kar payenge. Then with a heavy heart. Heavy heart stands for pain. Pain, burden. कुछ नहीं पता कि क्या हो जाए. ठीक है. सो दे ऑल आर इन प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. आई फेल्ट आई वेंट बिलो. बिलो स्टैंड फॉर द चैम्बर, जो शिप के बारे में बात हो रहा है. क्लाइंब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डॉज्ड ऑफ. डॉज्ड ऑफ मीन्स लथार्जिक. ठीक है. दो दिन से सोए नहीं है ना. डॉज्ड ऑफ स्टैंड फॉर लेजीनेस, पेनफुल सिचुएशन. वेन आई वोक अप इट वॉज 6 PM एंड ग्रोइंग डार्क. अब हुआ क्या, लथार्जिक फील कर रहे थे. ही वॉज नॉट फीलिंग गुड, तो सो गए. थोड़ा सा डॉज ऑफ स्टैंड फॉर लेजीनेस, तो आंख लग गई, सो गए. अब जब उठे हैं ना तो 6 PM हो गए. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. अब क्या थॉट एकदम से दिमाग में आता है कि 5 बजे तक पहुंच जाना था, बट वी ऑल आर स्टिल ट्रेवलिंग. तो हम बोर्ड पर ही हैं, वी आर ऑन द सेम डेक, सेम शिप पर हैं, तो अभी भी मूव कर रहे हैं. विद द सेल We had left. We couldn't hope to beat back into the westerly winds. अब winds जब आ जाएंगी opposite direction होगी, तो इनको ऐसा लग रहा है फिर से problematic situation होगी. Ship अब नहीं हम control कर पाएंगे. ठीक है. At that moment it tousled head. जब आप बहुत ज्यादा अगर परेशान होते हो, tension होती है, तो heavy head feel होता है ना, headache बोलते हैं उसको. It tousled head stands for a puzzled head. Puzzled head. Appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Writer कहते हैं सिर भारी हो रहा था, बट इतने में Jonathan, जो कि son है, वो आ जाते हैं और फिर कहते हैं can I have a hug? कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूं. Sue was right behind him. और पीछे से कौन आ जाती है, uncombed head. Yes Shubham, uncombed head. बट प्रॉब्लम इज कि हम देख नहीं सकते ना, मल्टीपल मीनिंग होते हैं. तो यहाँ पे tousled head also stands for puzzled head. कि जब आप सोकर उठते हो, योर माइंड आर नॉट इन योर कंसाइन. ठीक है, ज्यादा कॉन्शियस नहीं होता. तो जब आप सोके उठते हैं 10 to 20 seconds आपको लग जाते हैं आपकी कॉन्शियसनेस को रिवाइव होने में, सिचुएशन को समझने में. द सिमिलर थिंग्स हैड हैपेंड विद हिम ऑल्सो. व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मुझे हग क्यों किया जा रहा है. बिकॉज द सिचुएशन इज ऑलमोस्ट ऑपोजिट. ठीक है, अब देखते हैं. मे बी दे हैव अचीव्ड देयर गोल. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन. हु सेड दिस, सन. ठीक है, सन कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं एंड यू आर द बेस्ट डैडी. जॉन आई एम अफ्रेड. ठीक है, तो वाई ही इज फीलिंग अफ्रेड, बिकॉज ही इज नॉट इन हिज कॉन्शियसनेस टिल दिस मोमेंट. ही इज अनकॉन्शियस. ऐसा नहीं है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा, बट वो उसको लग रहा है, राइटर को ऐसा लग रहा है कि जो सिचुएशन है ना, वो ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं, मजाक कर रहे हैं. तो व्हाई यू मस्ट बी, सेड इज यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइलैंड फाइनली. होप ऑफ रिवाइवल इज स्टिल हियर. कि आपको क्या हुआ, आपने सबकी जान बचा ली. यू आर द सेवियर. एज अ फादर यू सेव्ड अस. It's out there in front of us. They chorused. Chorus stands for? Yes, Aditya. Yes, Sudha. Chorus stands for? Shout. ठीक है, they shouted. और shout ऐसा नहीं कि चिल्ला रहे हैं. A happy shout. ठीक है? As big as a battleship. Battleship से compare कर दिया है, because earlier they were fighting for their own life. To save their life. I rushed on my deck and gazed means looked, with relief at the stark outline of Ile Amsterdam. Now they can all see the island. Finally, island पे पहुंच गए हैं. ठीक है, और अब क्या होगा, क्या होगा अब बताओ. Cherished, very good Vartha, cherished the correct one. The most beautiful island in the world. Why this island is most beautiful?
answer why this person has passed this statement that this island is very beautiful. क्यों कहा है भाई beautiful? Has any one of you seen a land which is very beautiful? Landscape beautiful होते हैं. But why this island is beautiful? लिख के भेजो comment में. क्या लगता है? क्यों important है ये island? क्या मिलेगा इस island से? Because live line in. Very good Aditya. Because it saves their life. Very good. Gomti. So this island will save their lives. ठीक है पूरी की पूरी फैमिली की ये जो लाइफ है ये बचा लेगा. लास्ट पैराग्राफ एंड हेयर यू कैन सी इट विल बी ऑन पेज नंबर 18. द लास्ट वन. सी दिस. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स रेफर्स टू द नेटिव्स. दोज हु आर रेगुलरली लिविंग. दोज हु आर रेगुलरली लिविंग ऑन दैट आईलैंड. तो 28 लोग इनके अलावा ऐसे थे जो कि उस आइलैंड पे रहते थे. एज दे हेल्प्ड अस अशोर. और इन 28 इनहैबिटेंट्स ने हेल्प करी है इन लोगों की जो ये थे ना लैरी वेजल यानी कि दो फ्रेंड एंड द फैमिली द राइटर एंड हिज फैमिली विद द लैंड अंडर माई फीट अगेन. फाइनली दे ऑल आर वेरी हैप्पी कि लैंड हमें मिल गया है. माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी. हर्बी कौन है? हर्बी गौरव कहने बिकॉज दिस इज द लास्ट ऑफ ऑफ देयर सर्वाइवल. यस यस पूर्णिमा. यस सुजल. हर्बी आर दे फ्रेंड लैरी एंड हर्बी? यस. और हेल्पर अंकित एंड सुधा कह रहे हैं हेल्पर थे. हां जी ये हेल्पर थे. ठीक है बहुत सारे शिप पे लोग थे ना तो ये हेल्पर थे फ्रेंड भी थे. Cheerful and optimistic. Who is an optimistic person? जो हमेशा positive सोचते हैं. ठीक है. Yes, Sujal. There were almost two helpers. Under the direct है ये word ना direct stress. Direct का मतलब भी वही है कि वो बता रहे हैं from the last past two days they were not doing proper rest. They didn't get an opportunity to do particular rest. ठीक है. अच्छा रेस्ट उन्होंने नहीं किया तो बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है. एंड ऑफ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स. आपको बताया गया था कि शिप को लीड करने के लिए जब इंजन्स फेल हो गए थे तो व्हील पे क्या किया गया था? व्हील पे मैरी को खड़ा कर दिया था, है ना. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड गर्ल हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी. सबसे ज्यादा जिसको प्रॉब्लम थी जिसके हेड पर एंड हैंड पर चोट लगी थी वो थी कौन? डॉटर और सन. द पर्सन हु गॉट हर्ट हर सेल्फ द मोस्ट हु वॉज डैश द सन और द डॉटर? डॉटर. सी यू. वेरी गुड. ठीक है. तो माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव द रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल. कभी कभार आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा चोट लग जाती है तो स्किन में क्या होता है जिसे आप कहते हैं ना स्पॉट पड़ जाता है ब्लड क्लॉट वो ब्लू कलर की हो जाती है ना. तो सीयू के साथ भी मोस्ट प्रोबेबली द सेम हैड हैपेंड इन द पास्ट. यही हुआ होगा तो वो कह रहे हैं एक माइनर ऑपरेशन होगा. हेयर ही इज गिविंग अस हिंट कि फ्यूचर में क्या होगा. ठीक है. And of a second year, मतलब six, sorry not second, 6 year old boy who was not afraid to die. So finally, as readers, we all are very happy that the writer and his family are in the what? Question mark. In the safer zone. Yes? भाई वो safe zone में पहुंच गए ना. Yes, Sudha, island is the correct answer. ठीक है. So this was the chapter and why I have used this screen so that in any case, if you, all of you are not having your text in front of you because of some reason, तो आपको ये text दिख जाएगा. And if any case, any one of you earlier might be busy, ठीक है, तो अब आपको पता चल गया है that this is the platform where we can also meet. ठीक है.
ये आप बाद में देख सकते हो, बट अटेंडेंस का ये है कि यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइव कॉमेंट्स, वो ऐसे नहीं शो होंगे. दैट प्रोसीजर विल टेक मिनिमम 12 आवर्स टू रिवाइव. ठीक है, यह आपको आपके इसके मिल जाएगी और इसको आप बाद में देख सकते हो. दैट इज व्हाई आई एम नॉट कंफर्टेबल विद जूम और गूगल मीट, बिकॉज वो क्या होता है, वो आप रिवाइव नहीं कर सकते ना. दैट इज नॉट अ रिकॉर्डिंग प्रोसेस. ठीक है, तो चैप्टर इज डन. आई विल सेंड यू अ गूगल फॉर्म, अ सॉर्ट ऑफ टेस्ट, प्लीज बी देयर. ठीक है, आई विल गिव यू 3 or maximum 4 days so that you can revisit the video, you can revisit the chapter, और जो चीज नहीं समझ आएगी वो आप पढ़ सकते हो. सुधा, गूगल फॉर्म का बेटा फायदा ये होता है कि सॉर्ट ऑफ टेस्ट है. ठीक है, सर्टेन MCQs विल बी देयर. तो MCQ आपको मिल जाएंगे ना, तो आपको आइडेंटिफाई करने में बाई चांस आपको ये पॉइंट भूल भी गए होंगे, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको पढ़ सकते हो, है ना. लेजेंड किलर, प्लीज गिव मी योर अटेंडेंस, मेरे को अभी तक रजिस्टर नहीं हुई. ठीक है, वैसे ये आईडी से कर लेगा रजिस्टर, बट फिर भी मुझे चाहिए, है ना. ठीक है, इट्स टाइम टू गो ऑफलाइन, प्लीज चैप्टर को रीरीड कर लेना दोबारा. ठीक है, सी यू नेक्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम वी विल डू सम अदर थिंग, ग्रामर टॉपिक करेंगे. ठीक है, शुभम, आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट द टेस्ट, इट इज नॉट अ टेस्ट. ओके, तो वो टेस्ट नहीं होगा बेटा, वो ये है कि आप सबमिट कर देना. अगर इनकेस कोई गलत भी आंसर होगा तो आपको एटलीस्ट राइट आंसर तो पता चल जाएगा ना. डोंट टेक दैट एज अ टेस्ट, बट उसके काउंट करूंगी मैं अटेम्प्ट. जो नहीं अटेम्प्ट करेगा वो फिर रजिस्टर नहीं हो पाएगा. ठीक है, नेवर टेक दैट एज अ टेस्ट. जब टेस्ट लेना होगा ना तो मैं खुद बता दूंगी, बट प्लीज डू फिल दैट फॉर्म ऑल्सो, वो मैं ग्रुप पे आपको दे दूंगी. यहां तो नहीं दूंगी, ग्रुप पे सेंड कर दूंगी. ठीक है, तो हैप्पी गुड आफ्टरनून सभी को, एंड डू वेट फॉर वॉट, फॉर द गूगल फॉर्म. ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट आई विल सेंड. ओके काजल, ओके उपासना, ओके गीता. ठीक है, बाय बेटा.